हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सुधा ज्ञानवाणी में। फ्रेंड्स, आज मैं अपने तीसरे एपिसोड में भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इन प्रश्नों को। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य प्रत्येक नागरिक का है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल एक बार संशोधित की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग मंडल आयोग की नियुक्ति की गई? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की गई। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों, भारतीय संविधान बच्चों और महिलाओं को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है। भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। राष्ट्रीय संकट के समय संसद को लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि करने का अधिकार है। एक समय में यह वृद्धि अधिक से अधिक कितने समय के लिए की जा सकती है? एक समय में यह वृद्धि अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए की जा सकती है। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे है? लोकसभा को उसकी निर्धारित अवधि 5 वर्ष से पूर्व भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर है। किस व्यक्ति ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। किस योजना के तहत वर्ष 1942 ईस्वी में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना के तहत 1942 में यह स्वीकार किया गया। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। वर्ष 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां हुए अधिवेशन में रखी गई?
फ्रेंड्स, लखनऊ में हुए अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।